Good morning. Today in Bhasa Sangam we shall learn Marathi. So, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये भी इंडिया में सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और मेरा तो क्लास 8 तक का एजुकेशन मराठी में हुआ है. उसके बाद हिंदी मीडियम में एजुकेशन हुआ मेरा. तो व्हेन आई वाज इन प्राइमरी क्लासेस माय टीचर्स यूज टू टेल अस फोर लाइंस. दीज आर वेरी मोटिवेशनल. आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं. थोर महात्म्य होऊं गेले. आप बोलिए मेरे साथ, मैं आपको मीनिंग बताऊंगा उसका. बोल सकते हैं आप लोग, रिपीट कीजिए. तो थोर महात्म्य होऊं गेले. डिफिकल्ट लग रहा है. थोर महात्म्य होऊं गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा. चरित्र त्यांचे पहा जरा. आपण त्यांचे समान व्हावे. आपण त्यांचे समान व्हावे. हाती सापडे बोध खरा. हाती सापडे बोध खरा. इसका मीनिंग है कि जो महान लोग हुए हैं उनके चरित्र को हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए और उनके चरित्र के जो अच्छे गुण हैं वो हमें अपनाना चाहिए या उनके जैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. ये इसका मीनिंग था. तो अभी ये भाषा संगम के तहत मैं आपको जो 5 सेंटेंस आपको लर्न करना है उसके बारे में. तो सबसे पहले किस तरह से मराठी में नमस्कार बोलते, तो नमस्कार तो हिंदी जैसा ही होता है इसमें. तो सबसे पहले नमस्कार. नमस्कार. तुमचे नाव काय आहे. तुमचे नाव काय आहे. माझे नाव मनोज आहे. तुमचे आपका जो भी नाव. माझे नाव. उसके बाद तुम्ही कसे आहात. मिस हाउ आर यू. हाँ थोड़ा मैं भूल गया कि आपको उसका मीनिंग भी बताना है. उसके बाद तुम्ही कसे आहात. मतलब हाउ आर यू. तुम बोलू, मैं बोलूंगा कि मी छान आहे. मी छान आहे. आई एम फाइन या मैं ठीक हूँ. ठीक है. तो इस तरह से अब आपके सामने दो लड़कियां कन्वर्सेशन करेंगे. उसके बाद एक मराठी का सॉन्ग भी है. तो पहले कन्वर्सेशन देख लेते हैं.